भारतीय फौज के जाबाज सिपाही जो सरहदों पर दिन रात डटे रहते हैं ताकि देश के लोग महफूज रह सकें। कई नौजवान देश की खातिर अपनी शहादत दे चुके हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक नाम और शामिल हो गया जिला पठानकोट के 24 साल अक्षय पठानिया का, जो 19 जैक राइफल में बतौर राइफलमैन अरुणाचल प्रदेश में तैनात था। 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के कमेक सेक्टर की ऊंचाई में हुए हिमस्खलन के कारण 7 जवान इस हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए, जिनमें से अक्षय पठानिया भी एक था, जिसका पार्थिव शरीर आज उसके पैतृक गांव चक्कड़ में पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ लोगों ने नम आंखों से उसे विदाई दी। पठानकोट से दीपक मनी की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैनू 6 तरीक नूं फोन आया जून 4 बजे, तो उत्थे असर साहब का फोन आया, मैनू कहन लगे कि अपनी पेट्रोलिंग पार्टी जी गया मिस हो गए ना, तो असीं सर्च जारी रखी है, तो 7 नूं भी सर्च जारी सी कोई मौसम की वजह खराबी नाल। 8 नूं मैनू 11 बजे फोन आउंदा कि बच्चे शहीद हो गए ना, 7 दे 7 शहीद हो गए ना। मैनू दुख भी बहुत है और मैनू फख्र भी बहुत है कि मैं अपने बेटे से इन्ना माण है कि जो इस धरती माता ताई अपनी कुरबानी दे के शहीद होया है। ये अक्षय पठानिया बहुत ही बहादुर लड़का था, मुझे गर्व है, मैंने इस लड़के को ट्रेनिंग भी दी है और मेरी यूनिट का है, मेरी कंपनी का बहुत बहादुर है। हर जगह अव्वल, सुबह उठना शाम तक रूटीन इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही होनहार लड़का था। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मुझे दुख भी है और गर्व भी है इस चीज़ का, क्योंकि मैं इस जवान को ट्रेनिंग दी है। थैंक यू, धन्यवाद। 6 फरवरी को अरुणाचल के तमांग में इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसकी 0 लाइन पर हमारे 19 जैक राइफल के 7 जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो कुछ इनपुट मिले थे कि उनके फुटप्रिंट्स शायद चीनी सैनिकों के नज़र आए हैं, और सुबह ही हमारे जो जवान जो है 7 जवान वहाँ पर गश्त करने पहुँचे और अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए एक भारी अवलांच, एक बर्फीला तूफान वहाँ पे आया, इनमें दफन होने से ये 7ों जवान जो हैं बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म भागे। जिनमें जम्मू कश्मीर के 3 वालदार जुगल किशोर राइफलमैन, अरुण काटल राइफलमैन, राकेश सिंह राइफलमैन, अंकेश भारद्वाज गनर, गुरबाज सिंह और आखिर में विजय वीर योद्धा राइफलमैन अक्षय पठानिया, 24 साल की आयु में इस योद्धा ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपना बलिदान दिया गया। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस अमर योद्धा का अंतिम संस्कार हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कठिन परिस्थितियाँ, बर्फीले तूफान, बर्फीले आतंक का सामना करते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं। जो देशवासियों के लिए संदेश है कि जो सैनिक जिन हालातों में अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए, कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी देते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं, इनकी शहादत का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन हम इन्हें इनकी याद को जिंदा रखते हुए और उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर जो है इनकी शहादत की गरिमा को बहाल रख सकते हैं। सो इस दुखी घड़ी में हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद इस परिवार के साथ खड़ी है। इस परिवार को कभी भी इनका मनोबल टूटने नहीं देगी, हमेशा फिर से इन्हें इनके पैरों पर खड़ा रखेंगे। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, क्योंकि ये गांव चक्कड़ जिसे फौजियों का गांव कहा जाता है, इसके हर घर में एक सैनिक है, वहीं इस गांव ने 2 स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं, लेकिन अक्षय इस गांव का पहला शहीद है। सो मैं सरकार से बेनती करता हूँ कि इस गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस अमर योद्धा के नाम पर रखा जाए और गाँव के बाहर इस वीर योद्धा की याद में यादगार गेट बने, ताकि देश की भावी पीढ़ी, इस गांव की युवा पीढ़ी जो है, उनके बलिदान से प्रेरणा लेती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।